अमेरिकन फुटबॉल, अमेरिका का सबसे बड़ा खेल जिसे कॉलेज और नेशनल लेवल पे वहां के स्पोर्ट्स फैंस ऐसे फॉलो करते हैं जैसे हम इंडियंस क्रिकेट को, मतलब पागलपंथी है अमेरिकन फुटबॉल के पीछे। देख चुका हूं मैं वहां पर रहकर, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और फिर क्या मूवीज और टीवी सीरीज बनाई है हॉलीवुड ने अमेरिकन फुटबॉल को लेके। रिमेंबर द टाइटंस, द रिप्लेसमेंट्स, एनी गिवन संडे, वी आर मार्शल, फ्राइडे नाइट लाइट्स, टेड लैसो। सच कहूं तो बड़ा मजा आया मुझे ऐसे फिल्म्स और सीरीज देख के, क्योंकि इनकी स्टोरीज और क्लाइमैक्स और स्पोर्ट्स को दिखाने के तरीके बड़े एंटरटेनिंग होते। मगर अमेरिकन फुटबॉल द गेम, ना जी ना, आज तक मुझे ये गेम समझ में नहीं आया और मैं सालों से कोशिश करते आया। मैं जब इंडिया से अमेरिका गया 1999 कॉलेज के लिए, तो अपने बाकी साउथ एशियंस, वेस्ट इंडियंस और अफ्रीकन्स के साथ क्लब क्रिकेट खेलता था कॉलेज में। और उस बीच अमेरिकन्स आके पूछते थे हम लोगों से कि क्या है ये क्रिकेट, सफेद रंग के कपड़े पहनते हो, इतनी सी छोटी गेंद के पीछे तुम लोग भागते रहते हो, कई बार बैट्समैन बॉल को छेड़ता भी नहीं है, बीच में तुम लंच ब्रेक, टी ब्रेक लेते हो, 5 दिन तक गेम चलता है, और तुम कहते हो कि 5 दिन के खेल के बाद कोई जीतता भी नहीं है, ये कैसा गेम है। और मैं उन अमेरिकन्स को समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा नहीं है, क्रिकेट में बहुत टैक्टिक्स है, गहराई से हम इस गेम को देखते हैं और बड़ा मजा आता है, यू नो, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन दोस्तों, मैंने उनको समझाना ही छोड़ दिया और पूछने लगा कि एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा अमेरिकन फुटबॉल है, जो अमेरिका में बेसबॉल, बास्केटबॉल और बाकी स्पोर्ट्स से ज्यादा पॉपुलर है, इसमें क्या ड्रामा चल रहा है। और वो मुझे ऐसे देखते थे जैसे उसी वक्त मेरे सर पे सींग हो गया हो, सीरियसली। और तब मैं उनसे पूछता था उनका प्यारे अमेरिकन फुटबॉल के बारे में कि भाई सबसे पहले तुम इस गेम को फुटबॉल कहते हो, मगर पैर से नहीं, हाथ से बॉल को फेंकते हो और उसे पकड़ के फील्ड के एक तरफ से दूसरी तरफ भागते रहते हो। भाई क्या सीन है, तुमने तो उस खेल के नाम से ही हम नॉन अमेरिकन को कंफ्यूज कर दिया, क्यों भाई हैं, क्या दुश्मनी है हमसे। और दूसरी बात, सबसे सीरियस वाला, बॉस इस गेम में हो क्या रहा है, हर 5 सेकंड के बाद गेम रुक जाता है, उसके बाद एड ब्रेक, उसके बाद 10 प्लेयर दिखेंगे एक हडल में और साइड से 6-7 कोचेस माइक में उनसे बात कर रहे होते हैं, उसके बाद उस 5 सेकंड के गेम की स्लो मोशन रिप्ले दिखाएंगे जिस पे कमेंटेटर्स पूरे सीरियसनेस से उस 5 सेकंड के क्लिप पे अपनी टिप्पणी देंगे, उसके बाद फिर से एड ब्रेक, फिर 5 सेकंड के बाद दोबारा गेम रुक जाता है, फिर से सब माइक में चैट करेंगे, फिर एक और एड ब्रेक, फिर माइक पे चैट, फिर स्लो मोशन रिप्ले, फिर 12-15 चीयरलीडर्स फील्ड पे आके कूदेंगे, चिल्लाएंगे, पॉम पॉम हिलाएंगे, बैक फ्लिप करेंगे। अरे यार तुम बस गेम खेलो ना, हो क्या रहा है भाई। और प्लेयर्स की बात करें तो इस गेम में सबकी हाइट है, सारे प्लेयर्स ने बॉडी बना रखी है, तगड़ा, चलो शाबाश, वेल डन टू यू। और कुछ प्लेयर्स तो चाचा चौधरी कॉमिक्स के साबू से कम नहीं है। मगर हो क्या रहा है इस गेम में, बताओ कोई मुझे। मैं जब अमेरिका में कॉलेज पढ़ रहा था और उसके बाद जब वहां पे जॉब करी, तो लगभग 4-5 बार मैंने सुपर बोल देखा टीवी पे। अगर आपको पता नहीं है तो सुपर बोल अमेरिकन फुटबॉल का वर्ल्ड कप जैसा है, मगर उस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ लोकल क्लब्स खेलते हैं, मतलब कुछ भी। और ये अमेरिकन फुटबॉल का सुपर बोल देख के मुझे लगता था उस समय कि यार ये अमेरिकन्स तो विश्व के सबसे दिमागी लोग होंगे, मतलब जीनियस लेवल के लोग, क्योंकि मैं इस फाइनल को 4-5 बार देख चुका हूं और मुझे घंटा मालूम है क्या हो रहा है। खैर मेरे अमेरिकन साथियों, हमें क्रिकेट देखने दो, 5 दिन जाया करने दो टीवी के सामने टेस्ट मैच देखने के चक्कर में, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, सब ब्रेक हमें लेने दो, बैट्समैन को बॉल को लीव करके देख, हमें ताली मारने दो, क्योंकि आपकी अमेरिकन फुटबॉल हमारे समझ से बाहर है। हमें अमेरिकन फुटबॉल मूवीज का मजा लेने दो और एप्पल टीवी का हिट कॉमेडी शो टेड लैसो जैसे भी, क्योंकि इसमें मनोरंजन है और आपके गेम में लॉजिक नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।